चलिए, हाथरस और जितने भी बच्चियों के साथ जो दरिंदगी की गई है उन्हें मारा गया है, तो मोहित जी भी जंतर मंतर पर पहुंचे हैं मौन यात्रा में। तो मोहित जी, आप जो है शुरू से किसान आंदोलन में लगे हुए हैं, बच्चियों के साथ जो है दुष्कर्म किए जा रहे हैं, आप उस पर भी जो है समर्थन देने जो है वो जंतर मंतर पहुंचते हैं, क्या लगता है, क्या सरकारें सही से लॉ बना रही है या क्या भेदभाव जो है वो चल रहा है? देखिए, समर्थन ये मेरा फर्ज और कर्तव्य और दायित्व है अपने देश के प्रति, क्योंकि वो बेटी वो एक परिवार की बहन नहीं, वो हमारी भी बहन थी और उसके साथ जो घटना घटित हुई उसके लिए वो अकेली नहीं, पूरा देश आज उसके साथ खड़ा हुआ है और यही मांग कर रहा है कि बलात्कारियों को जल्द से जल्द फांसी हो, कि बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें फांसी दी जाए। और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की सरकार बात करती है, उन फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत, क्योंकि योगी सरकार जो एडवर्टाइजमेंट कराने का काम करती है, योगी जी के राज में दिल्ली तक में एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन आज जब योगी जी के विरोध में यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, हमारी इतनी सारी बहनें यहाँ पर आई हुई हैं, इतने सारे भाई यहाँ पर आए हुए हैं जो विरोध कर रहे हैं लगातार सरकार का, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और ये बलात्कार की घटना, जिसने योगी सरकार ने कहा कि हाथरस में जो पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ उसको मुआवजा दिया जाएगा, उनको एक आवास दिया जाएगा, ना तो मुआवजा अब तक मिला है ना आवास मिला है। तो ये सरकार पूरी तरीके से झूठ के पुलिंदे पर टिकी हुई सरकार है और हम देश के लोगों से बस यही गुजारिश करते हैं कि ये लड़ाई किसी जाति विशेष या समुदाय की नहीं, ये लड़ाई देश की बेटी की है और इस लड़ाई में आपको हमें एक साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। केस की जो वकील है जी, सीमा कुशवाहा जी, सीमा कुशवाहा के ऊपर भी जो है हमले किए जाते हैं या उनकी गाड़ी से जो है उनकी गाड़ी का पीछा किया जाता है, उन्हें धमकियां दी जाती है, लेकिन सरकारों से बार बार, सुप्रीम कोर्ट से बार बार सिक्योरिटी की जो है मांग की जा रही है जी, लेकिन ना तो सरकार उस पर विचार कर रही है ना सुप्रीम कोर्ट विचार कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? सरकार तो जेड प्लस की सिक्योरिटी, वाई प्लस की सिक्योरिटी कपिल मिश्रा जैसे लोगों को देती है, सरकार तो जेड प्लस वाई प्लस की सिक्योरिटी इनको देती है, ये जो ऊट पटांग बयान देते हैं धर्मों को लेकर, क्या नाम है इनका, नरसिंह आनंद, इनको देती है ना सरकार। मैं खुद एक लॉ का स्टूडेंट हूँ और हम चाहते हैं कि अगर हमारे एडवोकेट को खतरा है, वो केस लड़ रही है, तो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए और सरकार कहाँ से देगी सुरक्षा? भैया, सरकार को उनको जल्द से जल्द वाई प्लस की सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए और उनके लिए, क्योंकि वो एडवोकेट, मैं भी एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो उनको जल्द से जल्द सुविधा प्रदान करानी चाहिए, क्योंकि वो एक बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रही है और इंसाफ की मांग में पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए देश की राजधानी दिल्ली में भी जो है जी, मात्र 9 साल की बच्ची के साथ जो है गंदगी की जाती है जी, उसे जलाया जाता है, यानी हाथरस तो बहुत दूर की बात जी, है जी। आप दिल्ली की बात ले लीजिए, दिल्ली में भी जो है बलात्कार करके उसको जला दिया जाता है उसके माता पिता के सामने। देखिए, देश की राजधानी से लेकर तमाम जगहों की ये घटना है, यूपी से लेकर तमाम जगह तक बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, वो इसलिए क्योंकि हमारे देश की सरकार फांसी नहीं देती है। एक बलात्कारी कहता है मैंने बलात्कार किया है, बताइए कुलदीप सिंह सेंगर वहां बैठ के जेल में रोटी खा रहा है, क्यों उसको अब तक फांसी नहीं दी गई, बताइए ना। तो हमारी सरकार को इन पे इंप्लीमेंट करना चाहिए और इनको जेल की रोटी खिलाने के बजाय फांसी का फंदा इनके गले में टंगाकर इनको फांसी भी चौराहे पे दी जानी चाहिए, ताकि 10 लोगों को और इनसे सबक मिले।